स्वीटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल बाय शुश। इट्स मी सुष्मिता। सो फॉर टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू रिक्रिएट सुपर स्टाइल टिप्स। यस गाइस, सही सुना आपने, मैं करने वाली हूँ कोमल दी की रिक्रिएशन, मतलब कोमल दी की इंस्टाग्राम पिक्चर्स की रिक्रिएशन। सो गाइस, कोमल दी के बारे में बता दूँ मैं, मतलब मैं उनको बहुत, मतलब पिछले एक दो साल से मैं उनको फॉलो कर रही हूँ एंड उनकी हर एक वीडियो मैं देखती हूँ। सो गाइस, मैं मतलब क्या बताऊँ मैं उनके बारे में, जितना बताऊँ उतना कम है। एंड गाइस, वो मेरी वन ऑफ फेवरेट यूट्यूबर हैं एंड पर्सनली वन ऑफ फेवरेट यूट्यूबर हैं। सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनकी कुछ इंस्टाग्राम पिक्चर्स की रिक्रिएशन करूं एंड आप सबको दिखाऊं कि वो कैसी रिक्रिएट हुई है। सो गाइस, देखते हैं हमारी फर्स्ट पिक्चर। लेकिन उससे पहले मैं बताना भूल गई थी, मतलब मैं बता दूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, सो गाइस, देखते हैं कोमल दी की फर्स्ट पिक्चर। सो गाइस, इसमें कोमल दी ने एक येलो कलर की टॉप वेयर किया हुआ है एंड झुमका। मैं बता दूँ, मेरे पास ना, मतलब झुमके में सिर्फ ये वाला, मतलब नीचे का झुमका नहीं था, बाकी का सिर्फ मतलब सिमिलर सा था। तो मैंने उसी से रिक्रिएट किया है एंड उन्होंने मेकअप लुक क्रिएट किया हुआ था एंड तो मैंने भी कुछ किया हुआ है। तो चलो देखते हैं पहले मेरी रिक्रिएटेड पिक्चर। सो गाइस, कैसी लगी आपको फर्स्ट पिक्चर? अच्छी लगी ना, मुझे पता है। सो देखते हैं हमारी कोमल दी की सेकंड पिक्चर। सो गाइस, इसमें कोमल दी ने एक पिंक कलर का टॉप वेयर किया हुआ है एंड गले में एक चेन है एंड नोज पिन है एंड जो नेल पेंट वाइट है एंड मतलब वो कुछ सोच रही है, ऐसा पोज है उनका। तो मैंने भी कुछ ऐसे ही रिक्रिएट करने की कोशिश की है लेकिन पता नहीं अभी कब, मतलब मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, फिर भी देखते हैं आपको कैसे लगने वाली है। तो चलो देखते हैं मेरी सेकंड रिक्रिएटेड पिक्चर। Hey, y'all, come look at this. कैसी लगी आपको सेकंड पिक्चर? अच्छी लगी ना, मुझे पता है। एंड अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आप रेट करके ज़रूर बताना एंड सजेस्ट करना कि मैं नेक्स्ट रिक्रिएशन किसकी करूँ, ठीक है? तो चलो देखते हैं कोमल दी की थर्ड पिक्चर। सो गाइस, इसमें कोमल दी ने, मतलब जैसे कि आप देख ही रहे हो मुझे, तो इसी टॉप से मैंने रिक्रिएशन करी है एंड मेरे तो फुल स्लीव्स है तो मैंने उसी से रिक्रिएशन करी है एंड उन्होंने वॉच पहना हुआ है तो मेरे पास मतलब सिमिलर सा वॉच था लेकिन मतलब जो भी था मैंने उससे काम चला लिए एंड वो अनदर साइड देख रही है एक दूसरी तरफ, तो मैंने उसी तरह से रिक्रिएट करने की कोशिश की है। तो चलो देखते हैं मेरी थर्ड रिक्रिएशन पिक्चर। कैसी लगी आपको थर्ड रिक्रिएटेड पिक्चर? अच्छी लगी ना, मुझे पता है। आपको अच्छी नहीं लगी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आप लोग इतने अच्छे हो ना कि मेरी हर एक रिक्रिएटेड पिक्चर्स को पसंद करते हो एंड वीडियो को लाइक भी करते हो। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। सो गाइस, देखते हैं कोमल दी की फोर्थ रिक्रिएट, नहीं कोमल दी की फोर्थ पिक्चर। सो गाइस, इसमें कोमल दी ने कुछ स्काई कलर का सूट वेयर किया हुआ है एंड झुमका, मतलब ऐसा वो ट्रायंगल सा था झुमका एंड मेरे पास वैसा सिमिलर तो था ही नहीं, मतलब सिमिलर भी नहीं था, तो मेरे पास जो था मैंने वो वेयर किया हुआ है एंड वो एक बहुत प्यारी सी स्माइल दे रही है, जैसे कि मेरे तो मतलब ये जो दांत है ना, मतलब पता नहीं ऊपर वाले ने दिया है लेकिन जो भी है अभी मैंने उसी से मतलब ऐसे स्माइल किया हुआ है एंड मुझे ना मतलब अच्छी लगती है लेकिन इतनी भी नहीं मेरी वो दांत की वजह से। तो चलो फिर भी देखते हैं कि मेरी फोर्थ रिक्रिएटेड पिक्चर। कोमल दी की फिफ्थ पिक्चर। सो गाइस, इसमें कोमल दी ने सेम सूट वेयर किया हुआ है एंड वो ना बालों को कुछ ऐसे मतलब कर रही है एंड उसी वक्त पिक्चर क्लिक किया हुआ है,
तो मेरे पास तो थी, मैंने वही वियर किया हुआ था एंड सिर्फ पोज अलग दे दिया मैंने। एंड चलो देखते हैं कैसे रिक्रिएटेड हुई है, तो लेट्स सी। सो गाइस, कैसी लगी आपको फिफ्थ रिक्रिएटेड पिक्चर? अच्छी लगी ना? एंड अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नहीं शेयर जरूर करना एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड गाइस, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे इसी वजह से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही थी, एंड अब से रेगुलर वीडियोस आएगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड मुझे थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करना एंड कमेंट में जरूर रेट करना हर एक पिक्चर को एंड सजेस्ट जरूर करना कि मैं नेक्स्ट रिक्रिएशन किसकी करूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।